हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलो अब हम लास्ट देखो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे हम लोग। अब मैं डीएनए आरएनए के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो डीएनए आरएनए के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में आती बात? यहां तक तो आप सब बात जानते हो, तो डीएनए का फुल फॉर्म जान गए हो ना? ठीक है, चलो जी। और डीएनए के लिए कौन सी आप सुगर या शर्करा यूज काम लेते हो? डी ऑक्सी राइबोस सुगर काम में लेते हो, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, द्विकुंडल संरचना होती है, जो मैंने इस यहाँ पे बना रखी है। समझ में आ गई बात? देखो डीएनए को जब एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज किया गया, एक्सरे विवर्तन अध्ययन किया गया, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी मिली आपको? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर द्विकुंडल संरचना मिली। ये किसने किया था? क्रिक और वॉटसन ने किया था। समझ में आ गई बात? चलो एक बात ध्यान रखना, इस डीएनए में क्या देखा गया, एडीनिन हमेशा किससे कंबाइंड होता है? थाइमिन से। और साइटोसिन हमेशा किससे कंबाइंड होता है? ग्वानिन से। समझ में आ गई बात? यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। समझ में आ गई? ठीक, वापस सुन लो। दोनों के दोनों हमेशा किस अमाउंट में रहते हैं? सेम अमाउंट में रहते हैं, दोनों हमेशा समान संख्या में होते हैं। देखो जी, बुक में तो बड़े विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है या दो नंबर का, और दो नंबर के जितना बोर्ड पे लिखा गया उतना सफिशियंट होता है। समझ में आगे बात? चलो जी आगे देखो, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में और क्या चीज है। देखो ये दो स्ट्रैंड से बना होता है। दो स्ट्रैंड का मतलब क्या है? देखो एक स्ट्रैंड तो ये वाली जा रही है और दूसरी स्ट्रैंड ये जा रही है, ठीक है। दो लड़ों का बोल सकते हो, दो स्ट्रैंड का बना होता है। चलो आगे क्या है, पर स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना की बनी होती है। याद है मैंने आपको वो एक स्ट्रक्चर बनाई थी पूरी लास्ट के वीडियो में, अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर बनाई थी, वो क्या थी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड थी। समझ में आ गई ना बात? चलो जी, ये कैसे क्रम में होती है? सर्पिला क्रम में होती, कुंडलित होती है, ठीक है। आगे देखो, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। इसका मतलब ये जब दोनों ये आपस में कंबाइंड होती है, तो ये कैसे कंबाइंड होती है आपस में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंबाइंड होती है। आगे जो इसके जो सुगर होती है ना, वो कौन से बॉन्ड से होती है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये सारी चीजें स्ट्रक्चर में आ गई थी जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। समझ में आ गई यहां तक बात सबको? ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो डीएनए में ए और टी जुड़ते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था, ए और टी हमेशा साथ में कंबाइन रहते हैं, ठीक है जी। चलो एडिनिन और थाइमिन हमेशा कंबाइन होंगे, और कौन होंगे? साइटोसिन और ग्वानिन हमेशा कंबाइन होंगे। यार इस बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एडिनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फास्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात सबको? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखो इसके अंदर दो स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अब देखो ये 3 डेज 5 डेज कैसा है, समझ में आ गया? आपको पता हो तो फॉस्फोरस डीएनए के साथ जब सुगर के साथ कंबाइंड हो रहा था, एक बार 3 से एक बार 5 से, उसी स्ट्रक्चर को तुमने क्या कर दिया? इस तरीके से कंबाइंड करवा दिया। समझ में आ गई बात? तो देखो अगर एक बार जीओसी कंबाइंड हो रहा तो 3 बार आपको एटी कंबाइंड करवाना है, ठीक है। तो देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, सिंपल है। अगर एक बार टी आ गए तो 3, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना इसको। देखो इसके दो के बीच का डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसके दो जो ये स्ट्रक्चर होते हैं इसका स्ट्रेंथ 24 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी जो ये लेयर होती है इसका होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ में आ गई बात? देखो इसमें मैंने जितना आपको बताया उतना आप याद कर लेना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ये कौन सी स्टडी से दिया गया? एक्सरे डिफ्रेक्शन थ्योरी से दिया गया, क्रिक और वॉटसन ने दिया था। जी हमेशा किससे जुड़ता है? सी से, और ए हमेशा किससे जुड़ता है? टी से जुड़ता है। समझ में आ गई बात? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो उसमें दो सुगर होती है, अगर आपस में उनकी बात कर लें तो वो किससे जुड़ी होती है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है। समझ में आ गई बात? तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि ये सब कैसे किया गया, ठीक है। देखो आगे हम बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए की, कि दोनों में डिफरेंस किस बात का है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलो जी सुनो ध्यान से, अब मैं डीएनए आरएनए के डिफरेंस के बाद में मैं बात करूंगा विटामिन्स की, तो आपको विटामिन्स याद होने के बाद में फिर मैं याद करूंगा आपको प्रोटीन और हार्मोन्स याद। हार्मोन्स तो ट्रिक से बता दूं, हार्मोन ट्रिक से याद कर लेना, फिक्स हार्मोन से अपने बॉडी के
वो याद कर लिए हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रोटीन को डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। समझ में आ गई यहां तक बात जितना मैंने आपको समझा दिया है। एक बात और है, या तो दो दिन बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है नैनोरिएक्शन का वो आ जाएगा। देखो मैं सबको बता देता हूं, कल अपना टेस्ट होगा शायद, जो भी होगा डेट जो भी फाइनल होगी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। जब भी कोई टेस्ट आता है तो उसको आपको जरूर अनाउंस करूंगा कि यार इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन आप ये पढ़ाई कर लीजिए। समझ में आ गई बात। और देखो वो टेस्ट उन बच्चों के लिए जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर 10 बच्चा भी टेस्ट देगा तो मैं भी उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, वही दे दे कोई बात नहीं, बाकी नहीं दे रहे कोई बात नहीं। और देखो टेस्ट में हमेशा मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जो बोर्ड में आए हुए, बोर्ड एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने जैसे डी और एफ ब्लॉक का टेस्ट दिया तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगी आपकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आपने टेस्ट दिया तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी। समझ में आ रहा है, इसे हम ऑर्गेनिक का टेस्ट ले लेंगे, इसी तरह हम जैसे बायोमोलिक्यूल खत्म होगा वही बायोमोलिक्यूल का टेस्ट ले लेंगे। समझ में आ गई बात। देखो एक एक करके चैप्टर खत्म कर, जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आप चैप्टर खत्म करते चलो, बाइंडअप करते चलो, यार ये चैप्टर याद हो गया, ये चैप्टर याद हो गया, ये चैप्टर याद हो गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात न्यूमिकल्स की, तो कुछ बच्चे ने मुझे बोला सर न्यूमिकल्स करवा दो मेरे को, जो जो चैप्टर आपने पढ़ा है। देखो जिन चैप्टर में न्यूमिकल्स हो गए उनका एक लेक्चर बनेगा, बड़ा लेक्चर बन जाएगा कि यार कैसे न्यूमिकल्स सॉल्व करने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की बात करते हैं। तो हम डिफरेंस देखे थे डीएनए आरएनए में, मैंने डिफरेंस है किस बात का, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक डिफरेंस आप देखते चलो, है ना, और साथ साथ उतारते चलो। देखो आप बहुत लोग इसके बारे में जानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप जानते हो डीएनए कहां पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम एक तरह से गुणसूत्र की बात कर रहे हैं हम, यहां तक बात समझ में आ गई। एक तरह से क्या होते हैं ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ये कहां होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं, ठीक है। सेल लिक्विड में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमें पता है इसमें कौन सा सुगर काम में लेते हैं हम लोग, डी क्रोमोसोम लिख लेना, क्रोमोसोम डी ऑक्सी राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं डी ऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें ये शुगर होती है, इसमें कौन सी होती है, राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। देखो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इसके अंदर मिलता है अपने को एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसमें क्या मिलता है आपको थायमिन। इंग्लिश में लिख देना आराम से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और आप जानते हो इसके अंदर थायमिन की जगह क्या होती है, यूरेसिल। तो एडेनिन तो वैसे के वैसे मिलती है, ग्वानिन भी मिलती है, साइटोसिन भी होती है, इन थायमिन की जगह क्या होती है, यूरेसिल पाई जाती है। समझ में आ गई बात। देखो इस ये डबल हेलिक्स इसकी स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स, ये क्या होता है सिंगल हेलिक्स, मतलब द्विकुंडलित होती है। ठीक है, और ये क्या होती है एकल कुंडलित होती है। समझ में आ गई बात। देखो ये जेनेटिक जेनेटिक करेक्टर्स को, जेनेटिक गुणों को, आनुवांशिक गुणों को, आनुवांशिक गुणों को क्या करती है, स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है, आंशिक गुणों का स्थानांतर, आंशिक गुणों क्या करती है स्थानांतर या ट्रांसफर करती है, ये जेनेटिक करेक्टर्स का आनुवांशिक गुणों का स्थानांतर नहीं करती है। समझ में आ गई बात। दूसरा इसके अंदर रिप्लिकेशन, स्वगुणन, देखो लास्ट पॉइंट लिखा है
इसके अंदर रिप्लिकेशन स्वगुणन की क्षमता होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गई बात? देखो मैं वापस से दोहरा देता हूं, आराम से सही से देख लो। देखो पहला पॉइंट क्या है, ये कहां पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में, इनके गुणसूत्र वगैरह बोलते हो, समझते हो इस बात को। ये कहां मिलते हैं? कोशिका द्रव में, ठीक है। ये कौन से शुगर में पाए जाते हैं? डी ऑक्सी राइबो शुगर पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? राइबो शुगर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन की जगह इसके अंदर क्या मिलता है आपको? यूरेसिन मिलता है। समझ में आ गई यहां तक बात? अगला देखो, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल हेलिक्स। इनकी कैसी होती है? सिंगल हेलिक्स, ठीक है। इनके बताओ जेनेटिक अनुवांशिक गुण, समझ में आ गया? जेनेटिक या अनुवांशिक गुणों का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। नीचे बताओ रिप्लिकेशन स्वगुणन की क्षमता पाई जाती है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो उतार लो, उतार लो फटाफट। हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, इनके अणु जो होते हैं डीएनए के, वो बड़े होते हैं, और इनके अणु कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल लिख देना, और सॉरी बिग, इस बिग मॉलिक्यूल लिख देना, उसमें क्या लिख दोगे? स्मॉल मॉलिक्यूल। तो इसमें बड़े मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और इसमें छोटे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, नोट कर लिया? बिल्कुल। देखो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चैप्टर में क्रम इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं, जैसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना, आपको मजा आएगा पढ़ने। इसको कर लिया होगा आप लोगों ने, तो सिंपल सा है। देखो ये तो आप बायो में पढ़ते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बायो वाला ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, है ना। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स। देखो मैं आपको विटामिन पढ़ाऊंगा ट्रिक के हिसाब से, है ना, तो इस ट्रिक को ध्यान रखना। हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। विटामिन्स देखो जी, आप सभी लोग जानते हो हमारे शरीर के लिए विटामिन्स क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सूक्ष्म मात्रा में भी कम हो जाते हैं ना, तो अपने शरीर में कोई ना कोई एक बड़ा रोग हो जाता है। तो ये होते तो अपने शरीर में सूक्ष्म मात्रा में ही है, है ना, इनकी ज्यादा मात्रा भी होना प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ये लिमिटेड होते हैं, अपने हिसाब से ये अपने बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन इनका होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी अमाउंट बिल्कुल भी कम हो गई, बहुत कम अमाउंट में भी अगर ये कम हो गए, तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, मैं आप सबकी चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, अपने शरीर में दो तरह के विटामिन हो सकते हैं। एक होता है वसा विलय, फैट सॉल्युबल। एक होगा जल विलय, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, याद क्या करना है? देखो ए इसमें होगा, बी इसमें होगा, और सी बी इसमें। बी कॉम्प्लेक्स करेंगे यहाँ पे, बी कॉम्प्लेक्स मतलब बताता हूं मैं भी आपको। बी में बी वन, बी टू, बी थ्री, है ना, मतलब यहाँ पे ये हो गया बी वन, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स और बी ट्वेल्व, ये सारे बात कर रहे हैं। और कौन सा होता है? सी। बाकी किसके अंदर देख लो, डी ई के, ठीक है। एक और होता है जो ना तो जल में सॉल्युबल है, जल व वसा दोनों में अविलय। समझ में आ गई बात? दोनों में अविलय वो कौन सा है? इनसॉल्युबल एन एच टू ओ एंड फैट। कौन है वो? तो वो है एच, ठीक है, याद रहेगा। तो ये याद रखना आप, तो बस इतना याद रख लो। बी और सी किसमें होते हैं? वाटर में। बाकी बच्चे भी किसमें होते हैं? फैट में होते हैं। कर लोगे क्या आराम से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो नोट कर लो, नोट करो बड़ा फटाफट। हो गया नोट? चलो वापस ध्यान रखना, विटामिन किसमें होते हैं? अपने
फैट में होते हैं और एक बॉटम में होते हैं। बॉटम सेलुलर वाले कौन से? बी और सी वाले। ठीक है जी, चलो हो गया होगा अब तक का। चलो बात करते हैं आगे। देखो ध्यान रखना, विटामिन एक तरीके से क्या होते हैं ना कि एक तरीके से एमिनो ग्रुप वाले ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो विटामिन्स होते हैं एक तरह से ये आप बोल सकते हो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना ये एक तरह से एमिनो अम्ल होते हैं। पहले एमिनो अम्ल बोले जाते थे ये, है ना, बाद में उनको अलग कर दिया गया। क्या होते हैं ये? एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। ठीक है, एक हार्ड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे विटामिन से जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होते, उससे क्या रोग हो जाए हमें, उसकी हम बात करते हैं, उनके डिजीज की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो साथ ही साथ नोट करते चलना, है ना। यहां लिखेंगे विटामिन, यहां लिखेंगे केमिकल नेम, और यहां लिख देंगे डिजीज का नाम। ठीक है, यहां क्या है? विटामिन, यहां लिख देंगे केमिकल नेम, और यहां लिख देंगे डिजीज रोग। चलो समझो ध्यान से, पहला देखो विटामिन ए की बात करते हैं, है ना। देखो आप सब लोग जानते हो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ये बात सभी जानते हो, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इसकी, समझ में आ गई बात? तो देखो इसका नाम मुझे जानना है, तो मुझे एक बात बताओ ये रोग कहाँ होता है? इससे क्या होता है? रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। ये रतौंधी रोग होता क्या है? आंखों में, आंखों में क्या होती है? रेटिना। तो नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। याद रहेगा क्या? क्या नाम हो गया? रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो पहला नाम सभी को समझ में आ गया क्या? ध्यान रखना इसके नाम को आप लोग, है ना, रेटिनॉल नाम होता है इसका, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। वापस सुन लेना, विटामिन ए को अगर मुझे याद करना है, ठीक है, तो मैं कैसे याद करूंगा विटामिन ए को? सबसे पहले मुझे बता विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी में बचपन से पढ़ता रहा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है ना, तो बताओ ये रतौंधी रोग होता क्या है? आंखों में, आंखों में क्या होती है? रेटिना। रेटिना से क्या नाम पड़ गया? रेटिनॉल। देखो ट्रिक है याद करने की, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप याद रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डीवन की। याद है इसे बेरी बेरी रोग, डीवन से क्या है? बेरी बेरी रोग। ठीक है, देखो जो सिंपल सा ये जानते हैं नाम क्या था? थाइमिन, है ना। और थाइमिन यूनिवर्सल नेम है, आपको पता होना चाहिए, थाइमिन। समझ गए? चल आगे बढ़ते, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करते हैं B2। देखो B2 से याद रखना, होठ फटते हैं, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठों का फटना, होठों का फटना। क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ठीक है। और ध्यान रखना होठ फटने की दवाई आती है राइबोफ्लेविन। क्या नाम बोला? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। क्या नाम हो गया? राइबोफ्लेविन। समझ में आ गई यहां तक बात? वापस सुन लो सभी ध्यान से। सबसे पहला कौन सा था? विटामिन ए। क्या रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग कहां होता है? आंखों में। आंखों में क्या होती है? रेटिना। क्या नाम पड़ गया? रेटिनॉल। B1 का नाम पर दुनिया जानती है, क्या नाम है? थाइमिन। समझ में आ गई बात? चलो B2 का बताओ मुझे, B2 से कौन सा होता है? होठ फटते हैं, होठ फटने की दवाई का नाम क्या बताया? राइबोफ्लेविन। तो आज के बाद आना, जब भी होठ फट जाए तो दवाई कौन सी काम में लोगे? राइबोफ्लेविन। और आप भी देख लेना जो होठ फटने की दवाई आती है ना उसमें देखना B2 जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको। समझ में आ गई बात सभी को? चलो जी ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं B3 की। देखो B3 में क्या होता है ना, चलो जी देखो, चलो B3 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इससे पेलेग्रा 3D रोग होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना सिलेबस में नहीं है B3।
B3 से कौन सा होता है, पहले का 3D होता है। देखो हम बात करते हैं B6 की, जो सिलेबस में उसकी बात करते हैं। इसका नाम देखो, देखो 6 आ गया, 6 से आप एक रिंग याद रखना, पिरिडीन। 6 से क्या याद रखोगे, एक रिंग, क्या कौन सी रिंग है, पिरिडीन। पिरिडीन से क्या याद रखोगे, पाइरोडॉक्सिन। क्या नाम होगा इसका, पाइरोडॉक्सिन। याद रहेगा क्या, वापस बोलो ध्यान से, मान लो B6 आ गया, 6 से क्या याद रखेंगे, पिरिडीन, पिरिडीन से क्या याद आ जाएगा, पाइरोडॉक्सिन। ठीक है, चलो बताओ इसे कौन सा रोग होता है, एनीमिया याद रखना, एनीमिया रोग होता है इसे। एनीमिया रोग है ना, स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रखें ना, एनीमिया रोग होता है, ठीक है, रक्त की कमी जो वगैरह होता है ये इसी रोग को कहते हैं ना, होता है खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। समझ में आ गई बात, चलो आगे बात करते हैं। आगे किसी बात करेंगे, B12 की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दो बार एग्जाम हुआ, एक बार इसको B12 का पूछ लिया। देखो जब भी तुम B12 को याद रखो तो ध्यान रखना, B12 दो चीजें होती है, एक होता है कोबाल्ट और एक होता है साइनाइड। क्या क्या होता है इसके अंदर, कोबाल्ट और साइनाइड, पूछ ले B12 में कौन सी धातु होती है तो कोबाल्ट, कौन सा लिगेंड होता है तो साइनाइड, तो इसका नाम पड़ गया साइनो कोबालेमी, साइनो कोबाल कोबलेमी, साइनो कोबलेमी। तो साइनोकोबालमिन या साइनोकोबालमिन हम बोलते हैं, तो आप साइनोकोबालमिन या साइनोकोबालमिन याद रखो। इससे रोग होता है पर्निशियस, पर्निशियस एनीमिया, परकासी रक्ता रक्ता बोलते हैं इसको, परकासी रक्ता रक्ता। ठीक है, तो देखो यहां पे पर्निशियस एनीमिया। चलो सबसे पहले क्या पढ़ा तुमने, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी कहाँ होती है, आंखों में, आंखों में क्या पाई जाती है, रेटिना। क्या नाम पड़ गया, रेटिनॉल। B1 का तो यूनिवर्सल नेम है, थायमिन। B2 होटो की फटने की दवाई कौन सी है, राइबोफ्लेविन। बताओ राइबोफ्लेविन आ गई समझ में, आगे बाद दवाई का नाम याद रखना। फिर कौन सा पढ़ा तुमने, B1 के बाद में B2 पढ़ लिया, फिर कौन सा पढ़ा, B3 में रोग याद रखना, पहले का 3D लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बता रहा। आगे देखो B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट और साइनाइड। नाम क्या हो गया, कोबालेमीन। क्या नाम हो गया, कोबालेमीन, साइनो कोबालेमीन। क्या नाम हो गया, साइनो कोबालेमीन। उसे कौन सा रोग होता है, पर्निशियस एनीमिया। और B6 से याद रखो, 6 से क्या याद रखोगी, पिरिडीन। पिरिडीन से क्या आ गया, पाइरोडॉक्सिन। समझ में आ रही है बात, चलो जी ठीक है, नोट कर लो फटाफट, बता दें। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं इन सब चीजों को, चलो बढ़िया। चलो अब विटामिन सी की बात कर लें। देखो जी अब विटामिन सी की बात करते हैं, देखो विटामिन सी, सी से इसका नाम पड़ गया एस्कॉर्बिक एसिड। देखो सी से क्या है आप जानते हो, इसे स्कर्वी होता है, पाइरिया भी होता है इसका नाम, स्कर्वी। ठीक है, सी से स्कर्वी, स्कर्वी से एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रहेगा सभी को, आगे बात करते हैं। सी के बाद क्या बात करेंगे, डी। सी से क्या रखोगे, स्कर्वी, स्कर्वी से एस्कॉर्बिक। देखो डी से कौन सा आता है, रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स रोग होते हैं, है ना।
तो देखो डी से अगर रिकेट्स हो रहा है तो रिकेट्स से क्या होता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हड्डियों में क्या होते हैं, दाने दाने हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो देखो ये रोग होता क्या है, हड्डियों में, हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो नाम क्या हो गया, कैल्सिफेरॉन, कैल्सिफेरॉन याद रहेगा नाम सभी को, समझ में आ रही बात, कैसे कर रहे हैं अपन लोग यार। चलो जी ठीक है, आगे बात करते हैं ई को, ई को टोको तो टोकोफिरो, ई को टोको तो टोकोफिरो, फिरोल कर लो इसको आप, क्या नाम हो गया टोकोफिरो। ई को टोको याद रहेगा, डी से रिकेट्स, रिकेट क्या होता है, बॉन्ड्स में होता है, बॉन्ड्स में छेद हो जाते हैं, बॉन्ड्स में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम नाम क्या हो गया, कैल्शियम। ठीक है चलो ई को टोको, और देखो टोकोफिरो आप जानते हो इसे क्या होता है, जन्म क्षमता में कमी, जन्म क्षमता में कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी इन फर्टिलिटी कैपेसिटी, फर्टिलिटी कैपेसिटी, डेफिशिएंसी इन फर्टिलिटी कैपेसिटी, समझ आई बात, कौन सा बच गया, ठीक है। देखो कैसे याद रखना, क्विनोन, कैसे क्या याद रखोगे, क्विनोन, तो नाम हो गया फाइलोक्विनोन, समझ में आ रहा है कैसे करवा रहा हूं, फाइलोक्विनोन। देखो बहुत लोगों ने बहुत ट्रिक बताई है, कोई बात नहीं, ये जो वही ट्रिक है बस आपको सीधा नाम तक ले जाती है, बस ट्रिक सबकी सेम ही रहती है, कोई ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। और इस ट्रिक में क्या है कि जो नाम है ना वही ट्रिक है बस, है ना, बाकी में कोई वर्ड हो जाएगा, इसलिए सिंपल है ना, फाइलोक्विनोन। इसमें जानते हो रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स डू नॉट फॉर्म, याद रहेगा क्या, वापस देख लो, के फॉर फाइलोक्विनोन, रक्त थक्का नहीं जमता, क्लोटिंग ऑफ ब्लड डू नॉट फॉर्म। एक आखिरी और बच गया, देख लो यहां पर एच, ठीक है, देखो एच भी सिंपल है, एच से जो हेयर से आती है तो इसमें क्या होता है, हेयर झड़ते हैं, बालों का झड़ना, हेयर फॉल होना, क्या होता है एच से, हेयर फॉल, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, ठीक है, झड़ना, हेयर फॉल होता है धान का। अब देखो एच का नाम क्या हो जाएगा, देखो जो बाल झड़ते हैं तो मम्मी की याद आती है, तो आप राशन भाषा में बाई बोलते हैं ना, तो याद रखना बायोटीन, क्या याद रखोगे, बायोटीन, बायोटीन। चलो जी, तो आई थिंक आपको सारे विटामिन अच्छे से याद हो गए होंगे, देखो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या था, विटामिन ए, बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, रतौंधी कहाँ रोग होता है, ये आंखों में होता है, आंखों में क्या पाई जाती है, कॉर्निया, कॉर्निया से क्या नाम पड़ गया, रेटिनॉल। तो देखो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल नेम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये याद करवा रहा हूँ। चलो बाद में बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, बी वन यूनिवर्सल नेम है, थायमिन, बेरी बेरी सभी लोग जानते हैं। बताओ बी टू, बी टू से क्या होता है, क्रैकिंग और फ्लिप्स, होठ फट जाते हैं, कौन सी दवाई आती है, बोलिए राइबोफ्लेविन, समझ में आ रही बात। चलिए अब बात करेंगे विटामिन सिक्स की, विटामिन थ्री की बात कर सकते हो, विटामिन थ्री की कमी से कौन सा होता है, पैलेग्रा थ्री डी होता है, इसका नाम भी याद रखना, कैरेटिनोइड्स बोलते हैं, विटामिन थ्री को बोलते हैं कैरेटिनोइड्स, वापस दोहरा रहा हूं, विटामिन थ्री को क्या बोलते हैं, कैरेटिनोइड्स बोलते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बी सिक्स, सिक्स से क्या याद रखोगे, पिरिडीन, पिरिडीन से पायरोडॉक्सिन, और इससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया, रक्त में कमी, ठीक है, बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, ध्यान रखना। सिक्स से पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन से क्या नाम याद रखोगे आप लोग, ठीक है, पिरिडीन आएगा, सिक्स से पिरिडीन, पिरिडीन से पायरोडॉक्सिन, याद रहेगा, चलो जी ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बी ट्वेल्व, ट्वेल्व में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट, कौन सा लिगेंड, साइनाइड, क्या नाम हो गया, साइनोकोबालमीन, क्या नाम हो गया, साइनोकोबालमीन, ठीक है। कौन सा रोग, प्रकाशी रक्तालपता, पर्निशियस एनीमिया, कौन सा रोग, पर्निशियस एनीमिया। चलो बताओ फिर सी, सी से क्या, स्कर्वी, स्कर्वी से एस्कॉर्बिक, सिंपल है ना, सी से स्कर्वी, स्कर्वी से एस्कॉर्बिक। चलो डी, डी से बताओ मुझे रिकेट्स, रिकेट्स कहाँ होता है, बॉन्स में होता है, बॉन्स में क्या होता है, छेद हो जाते हैं, ठीक है, पोर्स बन जाते हैं, तो बॉन्स में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, नाम क्या हो गया, कैल्सिफेरॉल। चलो
इको टोको, तो ई का नाम क्या हो गया टोकोफिरॉल। जनसंख्या में कमी, फर्टिलिटी कैपेसिटी में डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। चलो कैसे क्यूनॉन नाम क्या हो गया फाइलोक्यूनॉन, कैसे क्यूनॉन क्या नाम हो गया फाइलोक्यूनॉन, समझ में आ रही बात। चलो जी नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है अपना एच, हेयरफॉल होता है बाल झड़ते हैं जब, क्या आ गया बायोटीन। चलो आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल नोट्स बनाते चलना, बिल्कुल बुक की पढ़ाई करेंगे, जितने भी चैप्टर सब चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए फिर मैं वीडियो का लेंथ बढ़ा दूंगा, एक एक घंटे दो दो घंटे का वीडियो पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी मुझे क्या है कि प्योर केमिस्ट्री का, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, जेट आईसीआर का, नीट और जेई सबके वीडियोज बनाने पड़ते हैं, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम बचता है ना, और लाइव क्लासेस भी चलती हैं, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, बस थोड़े दिन की बात है, 3-4 दिन में मैं आपके लिए थोड़े लंबे वीडियोस लेके आऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो स्कूलिंग बच्चे हैं उनकी तो अभी शायद पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे। मैं जानता हूँ केमिस्ट्री के बहुत कम टीचर हैं जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं दोनों केमिस्ट्री अच्छी पढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया डायग्राम से बढ़िया ट्रिक से आपको पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा आसान होता है समझने में, समझने का चैप्टर है। देखो अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 4-5 ऐसे है ना जो समझना नहीं है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन क्या समझना, उसको सिर्फ लिखवाना लिखवाना रहता है। तो नोट्स की प्रॉब्लम मत करना, एक बार आप सारे वीडियोस को देखो, लेक्चर्स को देखो, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट अवेलेबल करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, है ना, उसका चार्ज तो मैं कुछ लूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ तो चार्ज देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरी जितने हो सके मैं आपको फ्री में दूंगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप रेगुलर के रेगुलर जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं उनको रेगुलर आप नोट्स बनाओ, ठीक है। आप देखो, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूं कि एग्रीकल्चर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है जो स्कूल का है, ठीक है। तो आप रेगुलर पढ़ाई करो, क्योंकि उनकी लाइव क्लासेस बहुत कम चलती है, बहुत कम टीचर्स होते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में समझते हैं, बहुत कम है जो बना रहे हैं, है ऐसी बात नहीं, होने को तो बहुत लोग है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज तरीके से बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, है ना। उनमें से मैं एक वो हूं जो आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ाएगा, है ना। क्या मास्टर तारीफ कर रहा अपनी, अकेले अकेले हैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक पढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक और डायग्राम से पढ़ेंगे, ज्यादा थ्योरेटिकल, मुझे पता पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चा थ्योरेटिकल ज्यादा याद नहीं करता, तो बिल्कुल ट्रिक्स है, आप चलते रहो। देखो अब तक जो हम जितना मैंने पढ़ा सब ट्रिक्स वगैरह से आपको पढ़ाया है, तो आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। बस थोड़ी सी शर्त यह है कि रेगुलर नोट्स बनाओ। देखो टेस्ट भी होंगे आपके, मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का एक एक मिनट का टाइम होगा, समझ में आ गया, शॉर्ट का क्वेश्चन होगा क्योंकि लॉन्ग तो भी आता ही है। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, रफ पेन रफ लोगे, फटाक से जैसे क्वेश्चन चलेगा आप लिख दोगे। तो बस इसमें ये रहेगा कि चेक आपको करना है भाई, बिल्कुल ईमानदारी से लेके बैठना है, 10 क्वेश्चन में से मैंने कितने सही किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर आपको बता दूंगा, फिर आप अपना चेक कर लेना कि भाई कितने सही हुए और कितने गलत हुए, समझ में आगे बात। तो देखो आप रेगुलर रहो, आपका बकायदा यहाँ पे मैं टेस्ट लूंगा, बकायदा बिल्कुल बोर्ड की तरह पढ़ाई होगी, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते बिल्कुल हम उनकी बात करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। और जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो कर ले, और स्कूल वाले बच्चे ध्यान से सुन लें, वो नोट्स बना लें, क्योंकि मैं उनके नोट्स को चेक करूंगा जिस दिन उनसे मिलूंगा। है कि सर आप हमसे कैसे मिलोगे, मैं मिल लूंगा बेटा, है ना, ध्यान रखना तुम्हारे यूट्यूब चैनल मेरे पास ही आ रहे हैं सारे के सारे, है नाम तो आ ही रहा है उसके अंदर। चलो मैं पता कर लूंगा कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है ना, और तुम जानते हो नहीं लिखने का नतीजा क्या होता है, है? अच्छी तरह जानते हैं स्कूल वाले बच्चे तो। चलो कोई बात नहीं, बाकी भी बच्चे हैं जो रेगुलर, बिल्कुल आप अपना बिल्कुल ईमानदारी से नोट्स वगैरह बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर हमें ये दिक्कत है, हमें इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाइए, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, एक एक कॉमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। बस बच्चों से थोड़ा निवेदन है, आपसे भी कर लेता हूं मैं, कि भाई देखो नया नया चैनल बनाया है, तो कम से कम मेरे प्रमोटर तो आप ही हो, तो अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया करो, है ना, सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी बनता है आपसे वो करो। और जो बच्चे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हैं उनके पास ज्यादातर वीडियो पे जाने की कोशिश करो, ताकि उनको भी फायदा मिले, नहीं नए सर पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी फायदा उठाएंगे, तो ऐसे सोचना रखें। आप सभी के पास ये पहुंचाएं कि हाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हमें टीचर है जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़ो, है ना, तो फायदा होगा, तो तुम्हें भी होगा मुझे भी होगा, मुझे भी मजा आएगा। चलो यार अपने वीडियोस में व्यूज वगैरह आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, मजा आ रहा है ना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप नहीं देखोगे, आप नोट्स नहीं बनाओगे, तो मैं क्यों बनाऊ, इससे अच्छा तो मैं प्योर केमिस्ट्री का बनाऊंगा, जहां वहां पे मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे को देखते हैं, ठीक है। तो देखो मुझे दिख जाएगा कि कौन सा बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो रेगुलर नोट्स बनाओ। अगर मेरे को 50 बच्चे भी देख रहे हैं तो बहुत है मेरे लिए, सफिशियंट है, कोई बात नहीं, चलो 50 बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट नोट्स तो बनाओ, ठीक है। और रही बात नोट्स की, तो मैं उनके पेरेंट से बात कर लूंगा कि सर पेरेंट्स का नंबर कहाँ से लाओगे, मैं निकाल लूंगा तुम्हारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आ जाऊंगा आपके लिए, अब थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।